मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा है। टेलीफोन नगर में उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने पलसौड़ी पटवारी रचना गुप्ता को 5,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, जिसकी शिकायत गोपाल गुर्जर द्वारा की गई थी। पटवारी द्वारा यह रिश्वत जमीन की पावती बनाने के एवज में मांगी गई थी। ये गोपाल गुर्जर हैं, ग्राम पलसौड़ी रतलाम के रहने वाले हैं। इन्होंने इनका कोई न्यायालय में वाद चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने आदेशित कर दिया था इनकी जो खाते अलग अलग कर दिए गए थे। न्यायालय के आदेश से ही सीमांकन हो के और खाते अलग अलग का नक्शा हो गया था। उसकी पावती बनाने के लिए पटवारी को आदेशित किया हुआ था। पटवारी ने अभी तक पावती नहीं बनवाई। जब रचना गुप्ता ने तो ये उनसे मिले थे 8 तारीख को, ये मिले थे तो उन्होंने 10,000 रुपये की मांग की गई थी रिश्वत की, कि तो आप लेकर आ जाओ। तो 5,000 तो इन्होंने अपने जो कज़िन है सियाराम उसके साथ भेज दिए थे, और 5,000 लेके उन्होंने बाद में आने के लिए बोला था। तो 5,000 आज इन्होंने अपने घर पे लेते हुए रंगे हाथों उन्हें पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है।